एसी फ्रिज ट्रेनिंग वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे यहाँ लड़कों को फ्री में फ्रिज एसी की ट्रेनिंग दी जाती है, बिना पैसे देकर निःशुल्क काम सीखो, बेहतरीन 3 महीने में उनको बेहतरीन इंजीनियर बना दिया जाता है, बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी देता हूँ। आज का प्रश्न है, एक फैक्ट्री का लोड ज्ञात करो जिसका साइज 50x30x15 फीट, 2 खिड़कियों की साइज है 6.5, मजदूरों की संख्या उसमें 10 मजदूर हैं, 2 दरवाजे हैं। एक फैक्ट्री में जब एयर कंडीशन लगाना है तो उसका लोड ज्ञात करना आवश्यक है, तो उस लोड के लिए उसमें 10 मजदूर भी काम करते हैं, उसमें जो जो कंपोनेंट जो जो सामान है सब कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वर्णन दिया गया है आपका। जैसे मान लो एप्रोक्सी हीट कैलकुलेशन फॉर फैक्ट्री, उसका हीट लोड ज्ञात करना है थ्रू विंडो ग्लास, एरिया ग्लास, टेम्परेचर डिफरेंस कितना कितना है। जैसे मान लो इनसाइड डिफरेंस फीट, उसकी लेंथ जैसे लंबाई चौड़ाई और हाइट 50x30x15, उसमें सिंगल ग्लास है 6x5 का, उसमें 5 इंच चौड़ाई है, उसमें 2 गेट लगे हुए हैं 10x5 के, उसमें वुडन डोर है यानी वेंटिलेशन यार, उसमें ग्रेन सिस्टम है 20 CFM, इलेक्ट्रिकल उसमें बल्ब 200 वाट, 5 HP की मोटर, 10 मजदूर, वाल जिसकी वाल का 0.86, फ्लोर 0.62, शीलिंग सबका टेम्परेचर ग्रेनाइट फेरेड में दिया गया है। अब यहाँ पर हम पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं, जैसे ग्लास एरिया का उसमें कितना टेम्परेचर है, जैसे एक ग्लास का टेम्परेचर रहता है 1.13, उसमें 2 ग्लास 6.5 खिड़की है, बाहर का टेम्परेचर डिग्री फेरेड में, ऊपर अंदर का टेम्परेचर यानी कमरे के अंदर फैक्ट्री के अंदर जाएंगे तो 72 डिग्री फेरेड अंदर का है और 92 डिग्री फेरेड बाहर का है। उसी कमरे में जब टन में एसी को जब लगाते जाते हैं किसी के मकान में, जब देखते हैं किसी कमरा देखते हैं तो बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर को नापा जाता है, उसमें जो डिफरेंस लगता है माइनस में वो इसमें मल्टीप्लाई करके पीडीओ में कन्वर्ट करते हैं। तो 1.13 साइड स्क्वायर फुट हो गया, 20 डिग्री फेरेड का अंतर आया, 1356 BTU हवर निकला। इसके अलावा थ्रू द डोर टेम्परेचर, उसमें डोर है उनका टेम्परेचर कितना है, एरिया डोर डिफरेंस लिखा है 0.25 × 10^5, ये आपका अंदर का बाहर का टेम्परेचर का डिफरेंट है, 0.25 × 100 स्क्वायर फुट हो गया, फिट हो गया 20 माइनस, इसमें डिफरेंस निकला डिग्री फेरेड 1356 BTU हवर हो गया। इसके अलावा 2x50 15, 2x30 इसका पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 2608 BTU हवर निकला। सीलिंग एरिया, उसमें जो फोर सीलिंग है उसका एरिया कितना है, 0.70, 50-30, अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर 21,000 BTU हवर निकला। इसी प्रकार फ्लो छत का टेम्परेचर कितना है, कितना स्क्वायर फुट की छत है, उसका एरिया का टेम्परेचर कितना है, 0.62, 50-3 स्क्वायर फुट, 92-90 माइनस 72 डिफरेंस 18,600 BTU निकला। ग्रीन पॉइंट हवा, जिस फैक्ट्री के अंदर जो हवा है वो ग्रेड पॉइंट पर नापी जाती है, जिसे कमरे के अंदर वो भी हवा है उसको हम ग्रेड पॉइंट पर नापा जाता है, उसका डिफरेंस निकाल के फिर BTU में निकालते हैं। तो ऐसे मान लो यहाँ पर ये सिस्टम पूरा दिया गया है, ग्रीन पॉइंट एयर हवा 20 × 0.68, 45 बाहर का है अंदर का 26, यानी दोनों माइनस करेंगे जो भी डिफरेंट आएगा 432 प्लस कर देंगे 3016 BTU हवर आया। इलेक्ट्रिक मोटर जो 5 HP की है उसका पावर वाट 3.14, 200 वाट 3.14, तो इसका आया 628 BTU हवर। SP का जो मोटर है उसमें 2900, 5 HP की मोटर है उसमें गुणा करेंगे 14500 BTU हवर आया, 14500 में 628, फिर उसमें प्लस करेंगे 15128 BTU हवर आया। अब सारे सिस्टम को जब जोड़ते हैं, इसमें 10 मजदूर हैं, एक मजदूर की हीटिंग पावर सिस्टम में जैसे 665 × 10 अपन करेंगे तो 4650 BTU हवर निकलेगा, 985 × 10, 985 में जैसे BTU 9850 BTU, 9850 BTU को 4650 में जोड़ देंगे 14500, यानी 13000 सारी BTU को हम जोड़ेंगे, 13500 निकला, 500 निकला, 2608 निकला, 2100 निकला, 1860 निकला, 3016 निकला, 15128 निकला, 14500 निकला, पूरा BTU जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 104708 BTU हवर निकला। इसमें 12000 का गुणा करेंगे, 12000 का भाग दे देंगे तो 8.72 यानी कि 1.25 टन का AC लगेगा उस फैक्ट्री के अंदर। इसी का इसलिए
हम कहते हैं जैसे कमरे का आपका एसी का टन लगाना है, एक टन का, डेढ़ टन का, तो उसके कमरे के अंदर की माप, बाहर की माप, दीवार फोर सीलिंग का टेम्परेचर कितना है, इस हिसाब से आप एयर कंडीशन लगाएं। कभी एयर कंडीशन आपका धोखा नहीं देगा। अगर इस चीज़ के लिए हम आप व्हाट्सएप पर जुड़ने के बाद जैसे ही हम इस सिस्टम को आप व्हाट्सएप पर डालेंगे तो मैं आपके कमरे का गुणा भाग करके आपको वीडियो निकाल दूंगा कि कमरा का एरिया भले ही बड़ा हो या कम हो, उसका जब एक घंटे में 18,000 BTU आएगा, यानी कि एक टन का एयर कंडीशन होता है 12,000 BTU से, 12 से मॉडल चालू होता है, डेढ़ टन का होगा 18 से मॉडल चालू होगा, दो टन का होगा तो 24 से मॉडल चालू होगा, क्योंकि एक घंटे में 18,000 BTU खींचेगा। अगर एक घंटे में 18,000 BTU खींचेगा, वो डेढ़ टन का एसी है, एक घंटे में मान लो उससे 300 BTU की गुप्त ऊष्मा खींची, तो उसी हिसाब से एक टन का एयर कंडीशन है, अगर उसका BTU बढ़ गया आपके कमरे में वो एयर कंडीशन काम नहीं करेगा। इस प्रकार आप एयर कंडीशन लगाएंगे, कभी आपके एसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।